वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो फ्रेंड्स, आपको पता है एसबीआई क्लर्क का एग्जाम्स अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है और वहां पर सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैक्सिमम कट ऑफ भी आपकी 10 जानी है, तो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन का पैटर्न मालूम है तो आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए ताकि आप वहां से 10 के 10 क्वेश्चन आसानी से बना सके। तो इस सेट टू में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के टाइप के क्वेश्चंस यहां पर रखूंगा। आई विल सॉल्व द सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स विच आस्क्ड इन एसबीआई 2016 एग्जाम्स, जो एसबीआई 2016 के पेपर में पूछी गई प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको डायरेक्टली यहां पर सॉल्व करने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, अबाउट अस, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू, सो काइंडली शेयर आवर वीडियोस टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस। And friends, if you want any specific topic video, then do comment on our Facebook channel. ये हमारा Facebook का channel है, यहाँ पर आप comment कर सकते हैं अगर आपको कोई specific video बनवानी है then. और इस channel को subscribe करिए। तो सबसे पहला question आपकी screen पर है friends, the very first question in your screen, that is here. 58% of 450 minus, that is question mark is given here, percent of 250 is equals to 181. And you need to calculate the value of this question mark. That means You need to calculate the value of x here. तो अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्वेश्चन मार्क को क्या ले लेंगे, x की तरीके से ट्रीट करेंगे और ये फ्रेंड्स क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। फाइन, सो 58% इट विल बी इन दिस फॉर्मेट 58 डिवाइड बाई 100 इंटू 450 माइनस क्वेश्चन मार्क विल रिप्लेस विद x. And this is just a percent here, so we will write here x by 100 into 250, and this is equals to 181. From here, friends, we can cancel out few terms here. This will be cancel out, and 5 two times, and it will be 9 times. And friends, it when we will divide 58 by 2, it will be 29. So 29 into 9, it will be 261. Minus, and now let's cancel out these terms here. 0 will be cancelled out from here. 5 2 times and 5 5 times. Fine. So it will be 5x by 2. That is equals to 181. So from here, friends, 2 into 261 is will be 522 minus 5x, and this 2 will be multiply with 181. Now it becomes 362. And what is the value of 5x? So 5x will be 522 minus 362. So it will be 160. Fine. And x will be 160 divided by 5. That is 32. तो देखिए फ्रेंड्स, x की वैल्यू कितनी, 32 मिल गई, मतलब ऑप्शन सी हमारा वो है, करेक्ट है। करना क्या है, 58% लिखा है 450 का ना, तो 58/100 कर दो, यहां पर वैल्यूज सारी कट जाएंगी और इसके बाद में आपको 29 और 9 मिलेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 261 मिल जाएगा। अब यहां से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5x by 2, और ये 181 के बराबर है। एलसीएम लेना आपको आता होगा, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करें तो 522 हुआ माइनस 5x, और जो 2 ये एलसीएम वाला है, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 181 into 2 362 होता है। यहां से मैंने वैल्यूज को एक तरफ भेजा और x की टर्म को एक तरफ रखा, x की वैल्यू निकाल दी, यही हमारा आंसर हुआ। तो इन क्वेश्चंस में ज्यादा आपको कैलकुलेशन को लेंथी नहीं मिलाना है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज को कट कर देना है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, 5252 प्लस 5.2, फ्रेंड्स यू कैन सॉल्व दिस कैलकुलेशन इन इनलाइन, जस्ट सी हाउ, जस्ट लेट मी राइट हेयर 5.25 प्लस 52.52 प्लस 5.2, टेक 0 एज अ हेयर, व्हाई, बिकॉज दीज आर द टू टर्म्स, दीज आर आल्सो टू टर्म्स, दीज आर आल्सो टू टर्म्स। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड द डेसिमल वैल्यूज हेयर। सबसे पहले हम क्या डेसिमल वैल्यू को ऐड करेंगे, तो जो दशमलव के इस तरफ है पहले उनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 0 दैट मीन्स 7, सो 7 विल बी हेयर। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 2 दैट इज
9. So we will write 9 here and put the decimal here. Fine. And this 5 plus this 2, 7. 7 plus 5, 12. 2 will be here and 1 will be carry. 2 plus 1, 3. 3 plus 5, that is 8 here. And 5 as it is. So the answer will be 582.97. That means this is the option C here. तो यहां से मैं बता सकता हूं कि 582.97 हमारा आंसर आया. देखिए कुछ नहीं करना है, दशमलव वाली वैल्यूज को बराबर कर लो. अगर ये तीन डिजिट में होती तो मैं यहां पर तीन डिजिट में 00 बना लेता, जिससे मुझे आसानी हो जाती कि एक ही लाइन में कैसे वैल्यूज को ऐड करना है. ठीक है, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन के फोल्डर में जो वीडियोस डाली है वहां पर समझाया है. आप वीडियोस को ध्यानपूर्वक वहां पर भी देख सकते हैं. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 हियर. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी ट्रिकी. 16% ऑफ 450 डिवाइडेड बाय x परसेंट ऑफ 250 इज इक्वल टू 4.8 एंड दीज आर द ऑप्शन A6, B3, C9, D12 एंड E none. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सी हियर फ्रेंड्स. 16% ऑफ 450, so it will be written in this format, 16 into 450 divided by 100 and divided by x percent. So what will be, it will be x divided by 100 into 250, that is equals to 4.8. fine, and you can cancel out these terms here. 0 will be cancel out here and it will be 5 2 times and it will be 9 times and 2 8 times. 8 into 9, that is 72. 8 aur 9 ki multiply karenge 72 milega and this is 0 will be cancel out from here and 5 2 times and 5 5 times, that is divided by 5xy2 is equals to 4.8. friends, if we will convert 72 and this symbol will be in the format of multiplication, so it will be 2 divided by 5x, that is 4.8. fine, so 72 into 2, that is 144 divided by 5 will be x will be other side and 4.8 multiply with 5, so we will write here 4.8 into 5, that is equals to x. fine, so 4.8 into 5, that is 24, and when you will divide by 144 divide by 24, that it will be 6. fine, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया. यहां से करना कुछ नहीं है, केवल केवल आपको वैल्यूज को रखना है और उनको जितनी ज्यादा से ज्यादा कैंसिल आउट कर सके, जितनी वैल्यूज को काट सके, आपका आंसर जल्दी निकल आएगा. ठीक है, और मैं तो यहां पर बहुत आपको स्लोली करा रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम्स में कुछ स्टेप यहां पर मिस भी कर सकते हैं. जितनी फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन तरीका आपका यही होना चाहिए जिस तरीके से मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कराया है. नंबर 4 हियर, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स. ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है इस पैटर्न पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट एक्स एज इट इज हियर एंड इट विल बी इक्वल्स टू 11 विल बी ऑन अदर साइड. सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, this is the square root of 31. So 31 plus 11, sorry, this is the square root of 39, not 31, 39. So 39 plus 11, it will be 50. So root x is equals to 50, take square on both sides, it will be x is equal to 15 to 15, that is 2500. Now check the options here. Options D is the correct one. तो D option में क्या value दी है, 2500, और 2500 हमारा result आ रहा है, तो D option हमारा correct है. देखिए करना क्या है, 1521 का अगर आपको under root निकालना है, तो मैंने ये किस value का root value होती है, तो सबसे पहले मैंने आपको simplification में बताया हुआ है, और वहां पर आप देख सकते हैं. तो क्या करना होता है, 1521 आप यहां पर लिखिए, और last की दो digit के बीच में एक line भी बना दीजिए. तो जो 1 है वो किन दो किन किन नंबर्स के लास्ट में आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में आता है और एक 9 के स्क्वायर में आता है. ठीक है, और जो ये 15 है ये देखिए आपका 3 के स्क्वायर से पहले आएगा ना, क्योंकि 4 का तो ज्यादा हो जाएगा, 3 में आएगा, 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तब आपको मिलता है 9. तो मुझे 15 से कम वाला स्क्वायर लेना है. अब देखिए 3 के दो चांस होते हैं, 3 * 4 करो
तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 12 मिलेगी। तो अब देखो 15 जो है क्या इस 12 से छोटा है या बड़ा है, 15 तो इससे छोटा है, तो मुझे इस छोटी वैल्यू को पिक कर लेना है। तो यहां से मैंने पिक किया है, सॉरी 15 देखिए 3 इंटू 4 क्या है 12 है, ये जो वैल्यू 12 आई है क्या ये 15 से छोटी है या बड़ी है। 12 जो वैल्यू है वो 15 से छोटी है, ठीक है, मतलब 15 जो है इस वैल्यू से बड़ा है, तो मुझे बड़ी वैल्यू यहां पर पिक करनी है, ठीक है। 15 12 से बड़ा है इसलिए मैं यहां पर 9 को पिक करूंगा, तो 3 9 के कॉम्बिनेशन से यहां क्या बनेगा 39 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1521 मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको स्क्वायर रूट में सिखाया कैसे स्क्वायर रूट निकालने हैं, वहां पर आप ये वीडियोस देख सकते हैं, यहां से डायरेक्ट आप एक नंबर अपना अर्न कर सकते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जा रहा है और हर एक सेट में ये क्वेश्चन मिल रहा है। सो 700 डिवाइडेड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 70, सो वी विल राइट 700 हियर एंड डिवाइडेड बाई 0.5, 0.5 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 70, फाइन। सो 700 इनटू जस्ट रिवर्स दिस वैल्यू, सो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 1 एंड इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 70, फाइन। सो इट विल बी फ्रेंड्स 10 टाइम्स एंड 10 इंटू 2 दैट इज 20। तो यहां से हमारा क्या वैल्यू आ गई 20, मतलब ऑप्शन सी क्या कहता है कि हमारी वैल्यू 20 आई है, वो मैच कर रही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप कैलकुलेटिव बनाना चाहेंगे तो कितनी भी कैलकुलेशन कर लें आंसर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर इसको प्रॉपर अप्रोच से फॉलो करेंगे तो आप आंसर विद इन लाइन निकाल सकते हैं। 700 ये 0.5 को क्या मैंने लिखा है 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 770 को एज इट इज लिखा, लेकिन जब डिवीजन को हटा के मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं तो रिवर्स करते हैं वैल्यू को, तो 1/2 को क्या लिखेंगे 2/1, 70 को क्या लिख देंगे 1/70, अगर 1/70 होता है तो इसको 70/1 लिख देते हैं, यही कैंसिल आउट किया, यहां से 20 डायरेक्ट मुझे मिल गया। नंबर 6 क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक सर्ट्स का क्वेश्चन भी आ रहा है, तो सर्ट्स के क्वेश्चन जरूर से जरूर आप सिंप्लीफिकेशन में कर लें, फाइन। सो 5 × 5 × 5 दैट इज हियर 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स, सो वी विल राइट हियर 5 × 6 × 4 इंटू 5 × 5 दैट इज 5 × 2 × 6 एंड डिवाइडेड बाई 5 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 25। 25 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट 5 × 2 × x, फाइन। सो फ्रेंड्स 5 × 6 × 4 दैट मीन्स 5 × 24, 6 × 4 दैट इज 24, सो 5 × 24 इंटू 5 × 6 × 2 दैट इज 12, 5 × 12 डिवाइडेड बाई 5 × 2, सो इट विल बी 5 × −2, फाइन। वाई सी हेयर इफ आई एम राइटिंग इन दिस फॉर्मेट x² फाइन एंड दिस इज इन डिविजन फॉर्मेट, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग सो इट विल बी 1 × x² and when you will reverse the power then it will be x⁻⁶, okay, so we are following the same approach here. So 5 × 24 into 5 × 12 into 5 × −2 that is equals to 5 × 2x, so friends it will be 5 × 10, why, because −2 will be deduct from here, −2 will be subtract from 12, so it will be 10, 10 plus 24 that is 34, फाइन। सो इट विल बी 5 × 34 दैट इज इक्वल्स टू 5 × 2x। नाउ फ्रेंड्स कंपेयर द पावर्स हियर, सो इट विल बी 2x दैट इज इक्वल्स टू 34, राइट नाउ x विल बी 17, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर, फाइन। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 17 आई। देखिए यहां 5 कितने बार है, 5 है 6 बार, तो 5 की पावर 6 लगाया, होल की पावर 4 हुआ, इंटू 5 कितने बार दिया है 2 बार दिया है, तो 5 × 2 = 6 हुआ। अब यहां 5 × 2 है एज इट इज लिख दिया, ये 25 को क्या लिख सकता हूं 5 × 2 = x लिख सकता हूं। अब 5 × 6 = 4 है तो क्या लिख सकता हूं 6 × 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर 5 × 24,
अब यहां पर 5 की पावर 2 है, होल की पावर 6 है, मतलब कितना होगा 5 की पावर 2 × 6 = 12। और ये 5 की पावर 2 डिवीजन में है, तो जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन में लाओगे तो 5 पावर -2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपको यहां समझाया। और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में 2x हो जाएगा। जस्ट आपको 12 में से 2 पावर घटाने के बाद में 10 बचेंगी पावर, 10 और 24 34 हुई। कंपेयर करेंगे 2x की वैल्यू 34 आ जाएगी, x की वैल्यू 17 आ गई। तो यहां से मैं कह सकता हूं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, वन मोर फ्रेंड्स, 3.5 × 80 / 2.5 = what? क्वेश्चन आजकल ऐसे पैटर्न पर भी आ रहे हैं कि 3.5 की मल्टीप्लाई करनी है 80 से और डिवाइड कर देना 2.5 से। तो देखिए 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 3.5 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट, दैट इज 7/2 × 80 / 2.5 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट 5/2। 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है यहां से। सो फ्रेंड सी हियर, 7/2 × 80 / दिस वैल्यू, सो रिवर्स एंड मल्टीप्लाई हियर, इट विल बी 2/5, दिस विल बी 16 × 16 × 2, दैट इज 32। 5 16 × 16 × 2, दैट इज 32, एंड 2 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, सो 7 × 16, दैट इज 112, दैट इज योर आंसर। वेरी सिंपल, जस्ट इन वन लाइन। तो देखिए, अगर हम इस 3.5, हमें अगर राइट तरीका नहीं मालूम है तो पहले मैं 80 की मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है क्वेश्चन। केवल हमें इसमें बेसिक स्किल्स लगानी है, जो भी हमारी बोर्ड मॉस टेक्निक्स होती हैं, और सर्ट्स आपको लगाना है। यहाँ पर मैंने सारी वीडियो सर्ट्स की बनाई हुई है, उनको ध्यान से आप देख लें, आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग 112 हमारा करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स फ्रैक्शन वाला तो 100% एग्जाम्स में आ रहा है, आप फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से करें। सी फ्रेंड्स हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट द इंटीजर एंड फ्रैक्शन टर्म्स हियर, सो दिस इज इंटीजर, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, राइट इन दिस फॉर्मेट 5 + 2 + 1 हियर, एंड दैट इज हियर 1/5 + 3/5 + 2/5। फाइन, 5 + 2 = 7, 7 + 1 दैट इज 8 हियर, प्लस 1/5 = 3/5 = 2/5, सो इट विल बी 3 × 2 = 5, 5 + 1 = 6, 6/5. एंड फ्रेंड्स दिस वैल्यू कैन बी डिवाइड, 6/5 विल बी इन दिस फॉर्मेट 1 whole 1/5. Why? Because 5 = 5 + 1 = 6/5. Okay, so we will write here 8 + 1 + 1/5. So it will be 9 + 1/5. So we will write in this format 9 whole 1/5. Kindly check the options. Option B is the correct here. तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग 9 whole 1/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करना क्या है, इंटीजर को पिक कर लो, एक ब्रैकेट में रख लो, फ्रैक्शन को एक ब्रैकेट में रख लो। जब सारे के सारे यहां पर 5 5 सेम है तो डायरेक्ट इनको ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 5 = 6, 6/5, 6 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 whole 1/5। अब ये वाला 1 है, ये इस 8 के साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से 9 whole 1/5 हमारा आंसर आ गया। इस वीडियो को फ्रेंड्स जरूर से जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपके फिर भी अभी कोई डाउट्स हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आप नए यूजर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोज आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।